welcome to all students of class 8. And we are discussing about the parliamentary government, the executive, the head of the executive. Constitutional head of the executive is known as president, while real head is known as prime minister in the council of ministers. And we have also told you about the formula of the presidential election. That was the all elected members of both houses, and both houses here means upper house and lower house, and all elected members of all states legislative assembly elected to approve the president. ये ऑलरेडी क्लियर है और हमने बताया भी है आप लोगों को, आप जानते भी हैं. फिर हमने यह भी बताया था कि एक एमएलए का वोट वैल्यू ज्ञात कैसे किया जाता है, एक एमपी का वोट वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें न तो जनरल कोई व्यक्ति इस प्रकार से आम चुनाव की भांति भाग लेते हैं, न कोई सामान्य व्यवस्था के तहत इसमें चुनाव होता है, बल्कि विशिष्ट चुनाव होता है. एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच, इन सबसे बिल्कुल भिन्न होता है. तो इसके लिए हमने आप लोगों को बताया था शायद, या नहीं तो आज जान लें कि राष्ट्रपति का चुनाव एमएलए एमपी के चुनाव से अलग है. एमएलए एमपी के चुनाव में ढेर सारे कैंडिडेट खड़ा होते हैं, किंतु एमएलए एमपी के चुनाव में, किंतु राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न पार्टियों के द्वारा, पार्टियों के सहयोग से कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है राष्ट्रपति के लिए. तो उसमें क्या है कि एमएलए एमपी में है कि मान लीजिए कि 5 लाख वोट वोटिंग यदि हुआ है तो उसमें से ए बी सी डी या जी एच आई जे के एल इतना कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, किसी को 25,000, किसी को 30,000, किसी को 40,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 लाख यदि हुआ, तो सबसे ज्यादा जिसको वोट पड़ा, मान लीजिए 1 लाख सबसे ज्यादा किसी का वोट है, तो वो वही विजयी घोषित होते हैं. किंतु राष्ट्रपति के इलेक्शन में इस प्रकार की बात नहीं है. उसमें क्या है कि मिनिमम कोरम को पूरा करना होता है, मिनिमम कोटा को पूरा करना होता है. उसके लिए फॉर्मूला है टोटल वोट्स. Divide by 2+1. ठीक है, अब है इसको आप देखिए, सामने सामने आ गया. मान लीजिए कि टोटल वोट, मान लीजिए सपोज सपोज 20,000 वोट यदि पड़ा है, डिवाइड बाय 2+1 इज इक्वल टू कितना होगा, 10,000+1=10,000 याद रखेंगे कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में आधा से एक अधिक जितना वोट पड़ता है उसमें आधा से एक अधिक कम से कम होना चाहिए. इसी को कहा जाता है मिनिमम कोरम. क्लियर? अब यानी कि
ये नहीं है कि किसी को 4,000 पड़ा है, किसी को 5,000 पड़ा है, किसी को 8,000 पड़ा है, किसी को 9,000 पड़ा है कैंडिडेट को, तो सबसे ज्यादा 9,000 वाला है तो वही चुनाव जीतेगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि मिनिमम कॉरम को पूरा करना होता है, यानी 20,000 यदि वोट मान लिया, यदि 20,000 वोट पड़ा है तो 20,000 बटा 2 + 1 = 10,001 न्यूनतम वोट आना ही आना है। और हमने राष्ट्रपति के इलेक्शन में कहा था कि इसमें पसंदगी के आधार पर, यदि हमारी पहली पसंद है ए नाम के कैंडिडेट को वोट देना, दूसरी पसंद है बी, तीसरी पसंद है सी, चौथी पसंद है डी, पांचवी पसंद है ई, तो इस प्रकार से उसमें ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे, माना कि कैंडिडेट का नाम लिख देता हूं राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, कैंडिडेट। अब कैंडिडेट को मान लीजिए जैसे कि रहता है अभी रामनाथ कोविंद जी नाम है उनका, उसी प्रकार से क्योंकि शॉर्ट पर लिख रहे हैं हम ए बी सी डी, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के सिंबॉलिक नाम देते हैं। मान लीजिए कि ए नाम का एक कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ, बी सी डी, मान लीजिए चार कैंडिडेट खड़ा हुआ, सामान्यतया दो ही होते हैं या कभी कभी तीन, माना कि चार भी बोल रहे। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि डिफरेंट पार्टियों के द्वारा आपसी सहयोग से, तालमेल से, अपने अपने पार्टी की ओर से कैंडिडेट को खड़ा किए जाते हैं, इसीलिए इसमें सब गढ़ाई मामलों पर से पार्टी एमएलए एमपी की भांति खड़ा नहीं हो जाते हैं, नहीं हो पार्टी की तरफ चलो भाई इंडिपेंडेंट से खड़ा हो जाएंगे। हालांकि इसमें भी होते हैं, एक उदाहरण है धरती पकड़ टैटिन था उनका, वो लगातार स्टैंड करते रह गया लेकिन हर बार वो उनकी हार ही हुई, इसीलिए हालांकि वो नहीं रहे, गुजर गए, किंतु सामान्यतया ऐसा होता नहीं है। चलिए अब इसमें माना कि 20,000 वोट पड़ना है तो पहले कैंडिडेट को 8,000 वोट पड़ा, बी कैंडिडेट को 6,000 वोट पड़ा तो 814 हो गया, सी कैंडिडेट को 4,000 वोट पड़ा, ध्यान रखेंगे डी कैंडिडेट को 2,000 वोट पड़ा। देखिए कितना वोट हुआ, 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20, यानी कि माना कि 20,000 वोटिंग होना है, वोटिंग हुआ डिफरेंट कैंडिडेट को यह वोट पड़ा। ए नाम का कैंडिडेट है राष्ट्रपति पद के लिए, बी नाम का कैंडिडेट है राष्ट्रपति पद के लिए, सी नाम का कैंडिडेट है राष्ट्रपति पद के लिए, तो इस प्रकार से वोटिंग हुआ। अब राष्ट्रपति के चुनाव एमएलए एमपी मुखिया सरपंच इस प्रकार क्या जो जिनका भी चुनाव होता है, इसमें सबसे ज्यादा किनको वोट मिला तो ए नाम के व्यक्ति को, वो चुनाव जीत गए। किंतु राष्ट्रपति का चुनाव विशिष्ट चुनाव होता है, मैंने पहले भी कहा है, बार बार बताया है, तो इसमें कोई जीत नहीं हुई, किसी कैंडिडेट की जीत नहीं हुई, तो अब क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। कभी कभी तो समझ गया फर्स्ट स्टेप में ही कैंडिडेट को यदि निर्धारित न्यूनतम कोटा जो है, न्यूनतम कोटा क्या है, 10,000 एक एसेंशियल फॉर द विनर, तो ये तो किसी को नहीं। अब इसमें देखेगा नियम है, अब इसमें जो सबसे कम वोट जिनको मिला है इनको हटा देंगे, चल हट मोहने मोह सन मोह तिलकन मां, ऐसे खड़ा हो जाएगा, हो जाता है आकर के। तो अब बचा क्या ए बी सी डी, और इस 20,000 जो इसको मिला है डी को वोट, इसको अब सेकेंड फेज में क्या करेंगे, तो दूसरी पसंदगी को देखेंगे। तो इसमें जो दूसरी पसंदगी है, तो इसकी दूसरी पसंदगी में इस इन तीनों यानी 2,000 वोट को इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो माना कि इसमें
ए नाम के कैंडिडेट को दूसरी पसंदगी में, याद रखिएगा, ए नाम के कैंडिडेट को दूसरी पसंदगी में 600 वोट, सॉरी डी नाम के कैंडिडेट को जो 2000 वोट मिला, इसमें ए नाम के कैंडिडेट को दूसरी पसंदगी में 600 वोट था, ध्यान रखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, या ऐसा कीजिए बढ़ा दीजिए 800 मिला, अब दूसरे को मिला यानी बी नाम के कैंडिडेट को मिला 600, ठीक है, और सी को मिला 814, 418 या 1000 कर दीजिए नहीं तो और बहुत स्टेप में जाना पड़ेगा। माना कि 1000 इनको मिला और दूसरे स्टेप में 600 इनको मिला और 814 400 इनको मिला, तो अब देखिए कितना होता है, यानी दूसरी पसंदगी सेकेंड प्रेफरेंस जो हुआ इस प्रकार से हुआ, क्योंकि डी नाम के कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिलने के कारण इसको हम हटा दिए, नियम यही है, और उसके वोटिंग को सेकेंड पसंदगी के आधार पर, ग्रेडिंग के आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। माना कि इस प्रकार से आया वन 10, 6, 14, 10, 8, 10, 10, 6, 14, 14, 10, 8, 18, 2, 20, हुआ, 2000 हो गया ना, 10, 8, 18, 2, 20, अब इसको जो हुआ, 9000 हुआ, इसको जो हुआ, इस कैंडिडेट को, तो 6800 हुआ, इसको कितना हुआ 4200 हुआ, यानी सेकेंड स्टेज में जब देखे हैं प्रेफरेंस के आधार पर कैंडिडेट को जो वोटिंग हुआ है तो भी न्यूनतम कोटा यहां पर पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार से भी चुनाव उनकी उसमें कैंडिडेट किसी भी कैंडिडेट की जीत नहीं मानी जाती। अब क्या है कि हम थर्ड स्टेज पर जाएंगे, ये जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम इस प्रकार के स्टेप को बढ़ाते जाएंगे। याद रखेंगे सामान्यतया पहली बार में ही पसंदगी में ही कैंडिडेट इलेक्ट कर जाते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस प्रोसेस से आगे बढ़ना होता है। अब है कि दूसरी बार भी नहीं हुआ, अब देखिए सबसे कम किसको वोटिंग वोट प्राप्त हुआ अभी तक दूसरी पसंदगी के आधार पर, अब सबसे कम कौन हो गया तो सी, तो क्या करना है, तो नियम कहता है कि अब सी को भी काट देंगे, हटा देंगे, चल आपकी भी आवश्यकता नहीं है, और इसके वोट को हम अब ए और बी में तीसरी पसंदगी पर देखेंगे, थर्ड प्रेफरेंस जो है उसके आधार पर देखेंगे। तो माना कि 4200 में 2000 जो है, माना कि 2000 इनको मिल गया और इधर 2200 इनको मिल गया, ठीक है ना, मान लिया ये तो छट गया। अब देखिए कितना होता है, 9, 2, 11,000 हो गया इनका, ए नाम के कैंडिडेट को 11,000 वोट हो गया और बी नाम के कैंडिडेट को 8, 2, 10, 6, 2, 8, 9,000 हो गया। अब आप मिलाइए कि यहां पर न्यूनतम जो कोटा है राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कितना है, तो
तो 10,001 है, किन्हीं को 10,001 अथवा उससे ज्यादा हुआ है कि नहीं, तो ऑलरेडी ये क्लियर है। अब ये 11,000 10,001 को क्रॉस कर गया है, 11,000 हो गया है, इसका मतलब है कि एक कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, ठीक है। तो ऐसे इस फॉर्मूला के आधार पर ही होता है। हमने पहले स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एमएलए एमपी या अन्य किसी भी व्यक्ति के चुनाव से बिल्कुल अलग हटके होता है, तो इस प्रकार से इसका चुनाव वैसे सामान्यतया फर्स्ट प्रेफरेंस में ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। निर्धारित न्यूनतम जो कोरम है उसको वो पूरा कर लेते हैं, किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो सेकेंड प्रेफरेंस के आधार पर काउंटिंग करके देखा जाता है कि वह निर्धारित कोटा पूरा कर पाया है कि नहीं। यदि सेकेंड में भी नहीं होगा तो थर्ड स्टेज में जाना होगा। तो इस प्रोसेस से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्लियर है। तो आज जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है गवर्नमेंट के तीन अंग में, एक तो लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव को दो भाग में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। एक को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक चीफ, तो संवैधानिक चीफ प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रेसिडेंट का चुनाव तो आप तो जानते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यता प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये तो सामान्य रूप से समझ गए। किंतु इसमें कितनी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से तरीके हैं, इस पर मैंने, और दूसरी बात की कैसे एमएलए एमपी के चुनाव से भिन्न है, आम नागरिक इसका तो चुनाव करते नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव इस माध्यम से होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब आगे यदि आप लोगों को वक्त मिलेगा या ऑफलाइन क्लास होगा तो बताएंगे कि अभी हमने जो ग्रेडिंग सिस्टम किया है तो ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होता है, तब उसमें हम दिखाएंगे कि उसका दूसरा डायग्राम बनाएंगे, ए बी सी डी ऐसे करके कैंडिडेट का नाम लिख देंगे। आप उसके बाद पहले, अब जैसे कि हमको वोट देना है राम श्याम रहीम करीम, चार आदमी का नाम कैंडिडेट के पद पर है, तो आपके मन में भी इस प्रकार का विचार आता होगा कि नहीं, श्याम जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है, इनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, नहीं राम को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे, करीम को हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे, रहीम को हम फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। तो अब एक कैंडिडेट, यानी कि मैं जो वोटिंग किया हूं, तो मेरी पहली पसंदगी हो गई श्याम की, दूसरी पसंदगी हो गई राम की, तीसरी पसंदगी हो गई करीम की, चौथी पसंदगी हो गई रहीम की। तो इस प्रकार से हमारे यदि फर्स्ट काउंटिंग में मिनिमम कॉरम को पूरा नहीं कर पाता है तो वैसी स्थिति में हम सेकेंड कॉरम को सेकेंड प्रेफरेंस को काउंट में लाएंगे, सेकेंड प्रेफरेंस भी पूरा नहीं कर पाएगा, थर्ड प्रेफरेंस को लाएंगे, थर्ड प्रेफरेंस को भी नहीं पूरा कर पाया तो फोर्थ प्रेफरेंस को लेकर आएंगे, या ये प्रोसेस है। और जो भी में सबसे कम वाला रहता है कैंडिडेट को, उसके वोट को हम उनको छांट देते हैं और उनके वोटिंग को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एवं रेस्ट कैंडिडेट। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इट इज क्वाइट डिफरेंट टू द इलेक्शन ऑफ एमएलए एमपी एंड अदर कैंडिडेट। ओके, नाउ इट इज ऑलरेडी क्लियर, एंड यू विल हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन ऑनलाइन क्लासेस टुडे, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन टुडे इज एनफ। थैंक्स।